सरहदी कशीदगी के कारण तहसील मेहंडर की एक खातून जैनब भी ने अपनी जान गंवा दी थी। इसी मुनासिबत से जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ तारक अहमद जरगर वहां पर पहुंचे और इस खातून के लवाहिकीन को रेड क्रॉस फंड से 1,00,000 रुपए का चेक दिया। वहीं पर उन्होंने दीगर लोगों के साथ भी इजहार यकजहती किया और बॉर्डर के लोगों ने अपने कई मसाइल जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के सामने रखे। उन्होंने लोगों को यकीन दहानी करवाई कि वो बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोगों की फलाह और बहबूद के लिए इंतजामिया पूरी तरह से चौकस है। इस वक्त जहां एक जानब बैंकर्स बनाए जा रहे हैं, वहीं वहां पर नुकसान होने की सूरत में उनकी नकदी इमदाद व दीगर इमदाद भी की जा रही है। आपको दिखाते हैं तहसील मेहंडर से राही कपूर की रिपोर्ट। तो अभी नहीं जा सकते क्या उधर? अभी नहीं जा सकते क्या? कोई नहीं जाएंगे फिर तो। वो कहते हैं कि एक घंटा पैदल चलना। कोई नहीं। किसी भी चीज़ का ट्रायल कर लेगा। सर हमें नमाज जुमा इतनी पढ़ी है, हमें वो जाओ निकल है वो ले लेंगे सर। ठीक है सर, पोस्टमार्टम की दे रहे वहाँ से 100 मीटर तो नहीं अब कम है। मोटर पॉइंट है सर, वहाँ से फायर होता है उसको टारगेट किया, उसमें थोड़ा दाएं बाएं हुआ तो बस थोड़ा दाएं बाएं होना है। जो मोटर पॉइंट है उनका वो इनसे मकान से 100-150 मीटर पे बस उसी को टारगेट किया तो गोला फिसला दाएं बाएं। तो ऐसे सर वो पूरा सेक्टर है जो वो पूरा फेंस के साथ है, 6-7 कार है ना, 1,00,000 रुपये। इसके बाद ये फिलहाल हमने पूरी तौर दे दिया, बाकी जो है इसका केस जल्दी बना देंगे ऐसे ना SRO 43 में तो 4 लाख और मिलेगा और सेंट्रल स्कीम में 5 लाख। ठीक है सर, बट वो जल्दी कर लेना। ठीक है सर, बना देंगे। ये बैंक में देना है सीधा बैंक में खाते में आ जाएगा। बताइए खाते में आ जाएगा ये टू डबल लेयर स्लाइडिंग आया था तो उसकी वजह से पानी 3-4 जगह से निकलना स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब जहाँ से एक जगह से पाइप लगा था तो वहाँ से पानी कम हो गया। अब वो सारा अगर इकट्ठा किया जाए तो पानी हो सकता है। अच्छा, 6-7 किलोमीटर को पानी